हेलो फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काढ़ा बनाने की रेसिपी। और आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके बनाने के लिए मैंने लिया है पानी, तो मैं 2 ग्लास पानी लेने वाली हूँ। अगर 4 जन है घर में तो आप 2 ग्लास के करीब पानी ले सकते हो, थोड़ा कम लिया तो भी चलेगा। मैंने 2 ग्लास से थोड़ा कम लिया है, तो इस तरह से 2 ग्लास पानी लिया है मैंने। और अदर इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 5 काली मिर्च के दाने, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके ये पानी में डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम डालेंगे ये तुलसी। तो इसके ये जो है आगे के वो निकाल देंगे हम। तो तुलसी भी डाल दिए है मैंने। और ये अदरक जो है उसको हम पीस के डाल देंगे। कद्दूकस कर लेना है, चाहे आप कद्दूकस कर लो या पीस लो, थोड़ा सा अदरक डालना है। एक टुकड़ा अदरक का हमें इस तरह से कद्दूकस कर लेना होगा। तो ये देखिए, ये सब सामग्री मैंने तैयार कर दी है। इसको अब हम उबालने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने गैस ऑन करके इसको उबालने के लिए रख दिया है। इसमें आप चाहो तो गिलोय का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे जो है वो गिलोय का पाउडर या गिलोय जो साबुत आती है फ्रेश, वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन बच्चों को शायद पसंद ना आए। तो मैंने सिर्फ इतनी ही चीजें डाली है ताकि बच्चे भी आराम से इसको पी ले। इसको ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाना है, थोड़ा माइल्ड मीडियम बनाएंगे हम, ताकि ये स्ट्रांग ना पड़ जाए हमारे लिए और बच्चों के लिए भी। इस तरह से हमें इसको उबालने के लिए रख देना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये उबल रहा है। इसको हम 10 मिनट के लिए उबाल देंगे। तो ये देखिए, ये काढ़ा अच्छी तरह से उबल रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह से ये गिलोय का चूर्ण आता है, इसको गड़ो भी कहते हैं। तो ये जो है हम गिलोय, आप साबुत भी डाल, फ्रेश वाली भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन जबकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसका टेस्ट में थोड़ा फर्क आ जाता है, तो मैं गिलोय इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसकी वजह से आप इसी तरह से बनाइएगा। और एक बात कहना चाहूंगी कि ये देखिए, ये जो काली मिर्च है वो इस तरह से फूल जाएगी। जब ये अच्छी तरह से उबल के रेडी हो जाएगा तो इस तरह से फूल जाएगी। ये जो काढ़ा है वो सभी एजेस के लोगों को पसंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मैंने कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ काली मिर्च, लौंग, फिर दालचीनी का टुकड़ा डाला है, अदरक डाली है और तुलसी डाली है। इतना डाल के अब हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए सेंधा नमक डालेंगे ताकि बच्चों को टेस्टी लगे। मेन पर्पस है कि हमको इस तरह से काढ़ा बनाएंगे कि सबको पसंद आए। तो ये बहुत ही पसंद आएगा सबको, कोई मना नहीं करेगा पीने के लिए। इस तरह से ये देखिए, ये अच्छी तरह से उबल गया है। तो अब मैं इसको एक बर्तन में ले लेती हूँ। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है और इस तरह से जाली रख के हम इसको ड्रेन कर लेंगे। और ये जो मसाला है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, ये आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। और सब्जी में यूज नहीं करना हो तो इसको आप दोबारा काढ़ा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो।
तो थोड़ा सा अदरक सब समय आप अदरक थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये अलग हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम एक प्लेट में ले लेंगे ताकि हम दोबारा इस्तेमाल कर सके या तो फिर सब्जी में ये सारी चीजें हम डाल सके, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा नींबू हम स्क्वीज कर लेंगे, लास्ट में ये नींबू को स्क्वीज करना है। 1/4 नींबू लेके इसको हम स्क्वीज करके इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। ज्यादा नींबू नहीं डालना है नहीं तो बहुत ही खट्टा लगेगा। तो इस तरह से हम इसको एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। आधा आधा ग्लास इस तरह से सबको सर्व करना होगा, ज्यादा नहीं सर्व करना है। इसी तरह से सर्व करके आप अपने परिवार को सेहतमंद रख सकते हो। तो आप भी इसी तरह से काढ़ा बनाइएगा। मेरे व्यूअर्स की डिमांड थी कि काढ़ा की रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैंने अपने घर में मैं जिस तरह से बनाती हूँ इस तरह से शेयर किया है। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।